हम आपको जो सूचना देनी होगी और पार्टी द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही इसके संबंध में जो आपको बात बतानी है बताएगा। अभी बैठक चल रही है, अभी अभी चल रही है बैठक, इसलिए अधिकृत व्यक्ति ही बताएगा प्लीज। जब तक पूर्ण नहीं होगी और पार्टी द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही जो सूचना देनी होगी पत्रकारों को, आप सभी को सूचना निश्चित तौर पर समय पर दे दी जाएगी। मैम बहुत लंबी मीटिंग चली आज तो, यार एक मिनट रुको यार, ये पकड़ो मैम। निश्चित रूप से चुनाव से संबंधित सभी पक्षों पर विचार होता है, लंबे विषय चुनाव कोई सामान्य विषय नहीं है। और जब पहली बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय गृहमंत्री जी के साथ बैठे थे, सारी परिस्थितियों पर सब पर चर्चा हुई, अलग अलग क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है, इश्यूज पर भी चर्चा हुई है, चुनाव का किस तरह के समीकरण बनेंगे उस पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के हालात पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के खिलाफ जो समाज में मुद्दे हैं, प्रदेश में मुद्दे हैं, मतदाताओं के बीच में जो इश्यू हैं उस पर भी चर्चा हुई है। ये सरकार सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, उसके भ्रष्टाचार के विषय पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और इन सब चर्चाओं के चलते हुए आने वाले समय में चुनाव को किस दिशा में लेकर जाना है, किस तरह से लेकर के जाना है, इन सब पर हमने बात की। एक तरह के दिशा निर्देश सर मिले हैं, दिशा निर्देश की आपके बारे में चर्चा है, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। दिशा निर्देश हम आपको थोड़ी बताएंगे, सांसदों को चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, चुनाव लड़ने की चर्चा सबका ऐसा सही है, आप गहलोत के सामने आपको लड़ाया जा ऐसा कह रहे हैं। देखिए पार्टी का निर्णय तो पार्टी करेगी, ऊपर का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, ऊपर के अधिकारी करेंगे, लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो राजस्थान में कितनी बड़ी विजय आपको मिलने वाली है, कितनी बड़ी? सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतना सा बता दीजिए कि कितनी बड़ी विजय मिल रही है, बता दीजिए। बहुत बड़ी विजय मिल रही है सर, ये बताया जा रहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी बोलेंगे हमारे प्रवक्ता बोलेंगे या प्रेसिडेंट बोलेंगे। थैंक यू।